अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सिंक एसिंक फीचर्स जो हैं जावास्क्रिप्ट के, उनको देखेंगे और कुछ नई चीज़ें भी इसके अंदर लर्न करेंगे। सबसे पहले जो है वो प्रॉब्लम को देखते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, जिसको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम को एक छोटे से फीचर के साथ देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मेक पिज़्ज़ा, एक फंक्शन में क्रिएट करता हूँ, कांस्टेंट मेक फंक्शन ही बना लेते हैं। इन फंक्शंस को, एरो फंक्शंस को बाद में यूज़ कर लेंगे। फंक्शन मेक पिज़्ज़ा, और यहाँ पे पिज़्ज़ा का फ्लेवर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एटीवर रिटर्न करवा लेते हैं। फ्लेवर फ्लेवर प्लस पिज्ज़ा, ओके, जस्ट एक को करवा लेते हैं। ओके, अब कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम एक पिज़्ज़ा फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, और ये हम कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाते हैं। टर्मिनल इसका मैं ओपन कर लेता हूँ। न्यू टर्मिनल, नोड मॉन, प्रॉब्लम, ओके। तो अनडिफाइंड पिज़्ज़ा, इसको भी हमने कुछ पास नहीं किया है, तो इसको मैं फजीता, फॉर एग्जांपल फजीता या तिक्का पास कर देता हूँ। तो इसको हम सेव करते हैं। तो वो तिक्का पिज़्ज़ा जो उसने वो हमें रिटर्न किया है बना के, ओके। मैं सिमुलेट एक्चुअली ये कर रहा हूँ कि जब हमारी डेटाबेस की रिक्वेस्ट जाएगी या हमारी एपीआई की रिक्वेस्ट जाएगी, तो उसके अंदर जो हमें टाइम कंज्यूम लगेगा, तो हम उसमें अपने आप को ब्लॉक करेंगे या अनब्लॉक करेंगे, ये फीचर हमने जो है वो हमने देखना है। अभी तो इसको कोई टाइम नहीं लग रहा, किसी किस्म का कोई टाइम हमने इसको नहीं दिया है, आर्बिट्रेरी अमाउंट ऑफ टाइम नहीं दिया है इसको। हमारे पास दो फंक्शंस हैं अवेलेबल हैं जावास्क्रिप्ट में, एक टाइम आउट और एक इंटरवल। दोनों एक तरह से ही काम करते हैं। तो मैं सेट टाइम आउट को पहले यूटिलाइज करता हूँ। हमारा एक फंक्शन है रिटर्न फ्लेवर प्लस पिज़्ज़ा, एक फंक्शन है, और वो फंक्शन जो है वो बेसिकली है सिमुलेट करने के लिए कि आपकी एक्चुअल प्रोसेसिंग जो है उसको टाइम लग सकता है। जावास्क्रिप्ट जो डेटाबेस की एक्सेस है, या नेटवर्क कॉल है, या एपीआई की कॉल है, तो उसको ज़रा सिमुलेट करते हैं। सेट टाइम आउट, ये क्या करता है फंक्शन, ये फंक्शन, इसको हम, इसके दो पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर्स में हम इसको एक फंक्शन पास करेंगे, और दूसरे में हम उसे मिलीसेकंड्स पास करेंगे। ये सेट टाइम आउट क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा आफ्टर दीज नंबर ऑफ मिलीसेकंड्स, ओके। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल रिटर्न करवा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग प्रिपेयरिंग पिज़्ज़ा, और प्रिपेयरिंग पिज़्ज़ा, और रिटर्न मैं यहाँ से करवा देता हूँ प्रिपेयर्ड पिज़्ज़ा, प्रिपेयर्ड, इसको हम प्लस कर देते हैं फ्लेवर प्लस अगेन पिज़्ज़ा, ओके। सो एक्चुअली मैं यहाँ पे ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ इन तीन चार लाइंस के अंदर कि हमें एक्चुअली टाइम लग सकता है जब हम डेटाबेस एक्सेस की रिक्वेस्ट करेंगे, फाइल एक्सेस की रिक्वेस्ट करेंगे, या एपीआई एक्सेस की रिक्वेस्ट करेंगे। तो सेट टाइम आउट क्या करेगा, इस फंक्शन को, जो ये वाला फंक्शन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस फंक्शन को आफ्टर 1000 मिलीसेकंड, या आफ्टर 1 सेकंड जो है वो कॉल करेगा इसको, ओके। इस फंक्शन में मैं रिटर्न कर रहा हूँ प्रिपेयर्ड पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा को प्रिपेयर करके, ओके। और ये जो फंक्शन है रिटर्न जो है फ्लेवर प्लस पिज़्ज़ा, इसकी जगह पे हम जो है वो ऑर्डर रिसीव कर देते हैं रिटर्न, ठीक है। अभी ऑर्डर रिसीव हुआ है, अभी पिज्जा प्रिपेयर नहीं हुआ है। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या प्रिंट होना चाहिए था यहाँ पे, क्या हमारे पास प्रिपेयर्ड पिज्जा आना चाहिए था,
या हमारे पास ये वाला ऑर्डर पहले रिसीव होना चाहिए था यहाँ पे बेक पिज़्ज़ा के अंदर। मैं मेक पिज़्ज़ा जो है वो एक्चुअली हमें रिटर्न करवा रहा है ये वैल्यू। ओके तो चेक करें सबसे पहले क्या प्रिंट होके आ रहा है, प्रिंट होके आ रहा है ऑर्डर रिसीव्ड टिक्का पिज़्ज़ा, और एक्चुअली ऑर्डर जो है वो हमें रिटर्न होके आ रहा है लेटर ऑन। ओके ये वैल्यू प्रिपेयरिंग पिज़्ज़ा जो रिटर्न होके नहीं आ रही, जो रिटर्न ये फंक्शन कर रहा है जो हमें प्रिपेयर्ड पिज़्ज़ा रिटर्न होके आना चाहिए था वो प्रिपेयर्ड पिज़्ज़ा हमें आया ही नहीं है, रिसीव ही नहीं हुआ। यानी आपकी डेटाबेस एक्सेस की कॉल गई है, वो वापस आई है, लेकिन जब वो वापस आई है उस वक्त तक हमारी कोड की एग्जीक्यूशन खत्म होकर आगे जा चुकी थी, हमारा कोड ये रिटर्न करवा चुका था ऑलरेडी, हमें एक्चुअली प्रिपेयर्ड पिज़्ज़ा रिटर्न करवाना था। इसका मतलब ये है कि ये हमारा मेन प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम को हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे इन द फॉर्म ऑफ यहाँ पे हम ले लेते हैं अपनी कॉल को ले लेते हैं कि हमारी कॉल जो है वो आर्बिट्री अमाउंट ऑफ टाइम ले रही है। तो हमें एक्चुअली जो चीज़ यहाँ पे रिसीव होनी चाहिए थी वो प्रिपेयर्ड पिज़्ज़ा रिसीव होना चाहिए था, लेकिन जो चीज़ रिसीव हो रही है वो रिसीव हो रही है अनप्रिपेयर्ड, अभी ऑर्डर हमें मिला है, तो प्रिपरेशन हमारी वेस्ट हो जाएंगी, हमें हमारी प्रिपरेशन जो है वो हमें मिलेंगी नहीं है यहाँ पे। तो ये हमारा प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए अगर हम यहाँ पे वेट करेंगे कि हमारा एक सेकंड हम वेट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि वी हैव ओनली वन थ्रेड टू एग्जीक्यूट और नोड के अंदर, और उसको अगर हम वेट करवा देंगे यहाँ पे तो वो फिर बाकी रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर सकेगा उतनी देर में जितनी देर में आपके डेटाबेस एक्सेस की रिक्वेस्ट आ रही है। तो इंस्टेड इसको सॉल्व करने के जो सॉल्यूशंस हैं, रीडमी डॉट टी एक्स टी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, उसके जो तीन सॉल्यूशंस हैं बेसिकली, पहला है आपको कॉल बैक मैकेनिज्म क्या चीज है, दूसरा है प्रॉमिस, तीसरा है एसिंक वेट। तीन सॉल्यूशंस हैं इसके और जिसके थ्रू हम इसको इस प्रॉब्लम को जो है वो एड्रेस करेंगे। हमारा जो पहला प्रॉब्लम सॉल्यूशन है वो है कॉल बैक। तो कॉल बैक टेस्ट के नाम से मैं एक फाइल बना लेता हूँ, सेम प्रॉब्लम है हमारा और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है फॉर एग्जांपल फंक्शन मेक पिज़्ज़ा फ्लेवर, कंसोल डॉट लॉग ऑर्डर रिसीव्ड। फॉर एग्जांपल यहां पे हम कर लेते हैं कि ये फंक्शन कॉल हो गया हमारा और यहां पे हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं मेक पिज़्ज़ा। ओके तो ये प्रिंट करवाएगा कंसोल डॉट लॉग ऑर्डर रिसीव पिज़्ज़ा। ओके इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ यहाँ से। सबसे पहले हम कंसोल डॉट क्लियर करवा लेते हैं ताकि हमारी स्क्रीन रिफ्रेश रहे, और यहाँ पे हम मैं नोड मॉन डॉट स्लैश कॉल बैक टेस्ट को करवा देता हूँ। ओके इसको सेव करवा लेते हैं कॉल बैक टेस्ट। तो हमारा ऑर्डर जो है वो रिसीव हो गया है फॉर एग्जांपल, और हम सेम मैकेनिज्म यहाँ से सेट टाइम आउट को कॉपी करते हैं, यहाँ पे सेट टाइम आउट को ले लेते हैं, प्रिपेयरिंग पिज़्ज़ा स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ऑर्डर रिसीव प्रिपेयरिंग पिज़्ज़ा। ओके ये कॉल हो जाएगा, ऑर्डर रिसीव हुआ, पिज्जा प्रिपेयर हो रहा है। ये वो एक्चुअली पॉइंट है जिसके ऊपर हमारा पिज्जा जो है वो हमारा प्रिपेयर हो चुका होगा। ओके नाउ द थिंग इज कॉल बैक क्या होता है। कॉल बैक ये है कि आप दिस इज समथिंग लाइक आप रेस्टोरेंट किसी वॉक इन रेस्टोरेंट पे जाते हैं, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया वहां पे जाके, अब वो आपके साथ बाइंड नहीं है कि वो आप भी खड़े हैं और वो भी वेट कर रहे हैं कि जब तक किचन में आपका पिज्जा प्रिपेयर हो जाता है फिर वो आपको देगा। वो क्या कर रहा है, वो आपको कहता है कि ठीक है आप हमें कि अपना नंबर दे जाएं तो हम आपको कॉल कर लेंगे, उसको कहते हैं कॉल बैक। तो यहां पे मुझे एक और फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, फंक्शन हैंडल पिज्जा
फॉर एग्जाम्पल, और हैंडल पिज्जा फंक्शन हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा. ये जो फंक्शन है इसको हम पिज्जा पास करेंगे, और ये console.log eating pizza. ओके, अब ये फंक्शन है जिस फंक्शन को वो पिज्जा रिसीव होगा और उसने उसके साथ प्रोसेसिंग करनी है, या डेटा इसको रिसीव होगा और इसने उस डेटा को पेस्ट में एम्बेड करना है या किसी और जगह पे रिटर्न करवाना है या कुछ भी करना है, तो वो उसकी हैंडलिंग के लिए अलग से हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे. कॉल बैक फंक्शन इज बेसिकली कि आप ये वाला फंक्शन जो मेक पिज्जा है ये कह रहा है कि ठीक है आप हमें ऑर्डर कर दें कि ये फ्लेवर मैंने प्रिपेयर करना है और मुझे एक कॉल बैक भी भिजवाएं. वेरिएबल नेम है, आप इसको जो मर्जी रख दें, मैं इसको कॉल बैक कह देता हूं. ठीक है, वो कह रहा है कि मेक पिज्जा जो है उसको आपने एक फ्लेवर दिया है कि मुझे टिक्का चाहिए, और जब प्रिपेयर हो जाए तो हैंडल पिज्जा फंक्शन को कॉल करना है मेरे, इस फंक्शन को, हैंडल पिज्जा को. ठीक है, उसको भी हमने कॉल नहीं किया, वो हमारे कॉल बैक के अंदर रिसीव हुआ हुआ है. ये फंक्शन क्या करेगा, आफ्टर वन सेकेंड इनसेट के ये यहां से रिटर्न करे, ये उस कॉल बैक को कॉल करेगा. ठीक है, और उसे फ्लेवर जो है वो पास कर देगा. फ्लेवर के साथ कुछ और मैसेज भी पास कर लेते हैं, इज रेडी. ओके, कॉल बैक. नाउ द थिंग इज, हम यहाँ से रिटर्न नहीं कर रहे, हम एक्चुअली जो मेक पिज्जा का फंक्शन है वो हमें एक कॉल बैक दे रहा है कि अच्छा जब तुम्हारा डेटा प्रिपेयर होके आ जाए तो फिर इसको कॉल कर देना, उसमें मुझे पिज्जा रिसीव हो जाएगा. जो एक्चुअली मैसेज मैं यहाँ से ये भिजवा रहा हूँ इज रेडी, तो वो इसको यहाँ से इज रेडी की जगह पे इसको हम पिज्जा कर देते हैं. पिज्जा की स्पेलिंग में पता नहीं ठीक लिख रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ, ठीक है, आई जस्ट चेक. ओके, तो द थिंग इज हम उसे पास भी कर रहे हैं, इसके आप आउटपुट देखें, ईटिंग टिक्का पिज्जा. तो हो क्या रहा है कि हम ऑर्डर रिसीव हो गया. ओके, अब आप उसको देखें, मैसेजेस के सीक्वेंस को चेक करें. ऑर्डर रिसीव, ठीक है, यहां से ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, फिर प्रिपेयरिंग पिज्जा, ये वाला कॉल हो गया. अब पिज्जा जो है वो प्रिपेयर हो चुका है हमारा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उसके बाद पिज्जा प्रिपेयर हो गया, ये दूसरे वाले कॉल आ रहे हैं, प्रीवियस कॉल्स आ रहे थे, एंड देन आफ्टर वन सेकेंड हम पिज्जा को ईट कर रहे हैं. ठीक है, यहां पे मैं एक और कंसोल लिख देता हूं, console.log पिज्जा ऑर्डर. देखिए आप सीक्वेंस चेक कीजिएगा, सबसे पहले मेक पिज्जा, ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा पिज्जा ऑर्डर को, यहां से हम कट कर लेते हैं और यहां पे भिजवा देते हैं. ओके, ऑर्डर रिसीव, सबसे पहले हमने उसको ऑर्डर किया है कि अच्छा पिज्जा बना दो, उसने यानी डेटा फेच करके ले आओ, उसने कहा जी ठीक है मैं ऑर्डर रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है, और पिज्जा प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी. उसके बाद पिज्जा ऑर्डर का ये वाला मैसेज जो सबसे एंड पे है ये प्रिंट हुआ है आके, एंड आफ्टर वन सेकेंड जब हमारा, लेकिन हमने साथ ही उसको कॉल बैक भी भिजवाया ये वाला फंक्शन, उसे कहा कि अच्छा जब तुम्हारा पिज्जा प्रिपेयर हो जाए तो तुम मुझे इस फंक्शन को कॉल कर देना आके. ये फंक्शन कॉल हो रहा है आफ्टर वन सेकेंड, फंक्शन कॉल हुआ, वो कब कॉल होगा, वो यहां पे कॉल होगा कि आपका प्रिपेयर हो चुका है पिज्जा, तो आप जो है वो यहां पे आके उसको रिसीव कर लें, तो ये आपका कॉल बैक हो गया. इसको कहते हैं कॉल बैक, आप वेट नहीं करते हैं, ठीक है, आप एक फंक्शन दे देते, भिजवा देते हैं उसको कि अच्छा ये लो ये फंक्शन और जाके अब इस फंक्शन को तब कॉल कर देना जब तुम्हारा डेटा जो है वो हैंडल हो जाए. बहुत सी लाइब्रेरीज हैं जो कॉल बैक मैकेनिज्म को यूटिलाइज करती हैं, लाइक जेक्यूरी,
तो जेक्वेरी को फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ से रिसीव करते हैं कि हमारे पास उस्मान लाइव डॉट कॉम के ऊपर आए, ये फेक एपीआई है। हमारी इस एपीआई को हमने जेक्यूरी की क्लास के अंदर भी यूटिलाइज किया है। ये चूंकि हिरोको में फ्री डिप्लॉयड है तो हिरोको स्लीप मोड में चला जाता है अगर आप नहीं यूज करते इसको एप्लीकेशन को, तो वो स्लीप मोड में चला जाता है आफ्टर 30 मिनट्स, तो इसलिए ये जरा स्लो है। तो मैं ये यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरा यूआरएल है रेसिपीज का। ओके नाउ अनदर थिंग हम साथ ही लर्न कर लेते हैं, व्हाट इफ आई वांट टू यूज जेक्यूरी इन माय बैकएंड। ऑफ कोर्स ये पेज के साथ मैनिपुलेशन नहीं कर सकेगा, एक्सजेएस फॉर एग्जांपल या जेक्यूरी ये हमारे पेज के साथ नहीं कर सकेगा हैंडलिंग, लेकिन इसके एजेस के फीचर्स जो हम यूटिलाइज कर सकेंगे। व्हाट इफ कि हम नोड के अंदर रहते हुए कॉल करना चाह रहे हैं अपने डेटा को, और उस डेटा को फिर हमने बाद में कुछ हैंडल करना है, तो सिमुलेट हो जाएगा कि कॉल बैक बेस्ड लाइब्रेरीज जो हैं वो कैसे यूटिलाइज होती हैं। इसको अगर आपको इंस्टॉल करना है जेक्यूरी को, तो लिखें npm स्पेस इंस्टॉल स्पेस जेक्यूरी। रिमेंबर जेक्यूरी का क्यूब लोअर केस के अंदर है। ये क्या करेगा, ये अभी इंटरनेट पे जाएगा और नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स के फोल्डर में जेक्यूरी जो है वो इसने ला के रख दी है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ये जेक्यूरी इसने ला के यहाँ पे कॉपी कर दी है। ये फोल्डर क्या चीज़ है, इसको हमने बाद में कैसे हैंडल करना है, ये हम बाद में देखेंगे नोड के अंदर जाके npm क्या होता है क्या नहीं होता। तो इसको हम jq इसको बाद में देखेंगे। तो अब एक इसको ज़रा टेस्ट करने के लिए jq कॉल बैक टेस्ट डॉट js इसको मैं रन कर लेता हूँ। नोड मॉन jq कॉल बैक टेस्ट। इसको रिक्वायर कैसे करना है, कॉन्स्टेंट डॉलर इज इक्वल टू रिक्वायर। अभी आप सिंटेक्स जो है वो जो जिन वो वैसे ही जिन में रख लें जे क्यूरी, ये जब हम npm करेंगे तो तब हम देखेंगे ये रिक्वायर क्या चीज़ है। जेक्यूरी का जो एजेक्स के फीचर्स हैं लाइक डॉलर डॉट गेट, ये यूआरएल है, इस यूआरएल को हिट करो। ठीक है नो, ये तो फंक्शन कॉल हो गया आपका कॉल बैक। हमें यहां पे एक कॉल बैक मेथड भी देना है, वो कॉल बैक मेथड क्या है, हैंडल डेटा हैंडल रिस्पॉन्स फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा कॉल बैक है। ये हम कह रहे हैं कि डेटा आएगा हमारे पास कंसोल डॉट लॉग डेटा डॉट लेंथ। ठीक है ये वो फंक्शन है, क्रैश हो गया हमारा, डॉट डॉट गेट इज नॉट ए फंक्शन। लेट मी चेक के जेक्यूरी के अंदर, जेक्यूरी के नोड के अंदर हम गेट मेथड यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ओके सॉरी, एक्चुअली जेक्यूरी को हम यहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर सकते इस तरह से, तो हम इसको जेक्यूरी को भी रहने देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। npm को हम कहते हैं कि जेक्यूरी को अनइंस्टॉल कर दो, अनइंस्टॉल jQuery को अनइंस्टॉल कर दो। ये एक्चुअली सिर्फ क्लाइंट साइड के लिए है, सर्वर साइड के लिए ये नहीं है, तो उसने वो वाला फंक्शन भी कॉल आउट कर दिया है। हम यहाँ पे एक नया पेज बना लेते हैं टेस्ट डॉट html। अब हम सर्वर साइड से क्लाइंट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, ये हमने html बनाई हुई है और यहाँ पे मैं jQuery को यूटिलाइज कर लेता हूँ। jQuery का मैंने CDN का पाथ जो है वो कॉपी कर दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट का टैग यूटिलाइज कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पे jQuery कॉल बैक टेस्ट इसको हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, इसको कॉल बैक यूज कर लेते हैं। ऑन पेज लोड मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ,
ताकि पेज लोड के ऊपर हमारी ये कॉलिंग हो जाए, और यहाँ पे हम मैं एजेस की रिक्वेस्ट भिजवा रहा हूँ। और ओके एजेस की रिक्वेस्ट अब ये कहती है, फॉर एग्जांपल जेक्यूरी का जो कॉल बैक मैकेनिज्म है कि आप मुझे गेट मेथड दें, साथ ही मुझे हैंडल रिस्पांस का कह दें। ये कॉल बैक है आपका, ओके दिस इज कॉल बैक, जो हम कॉल बैक को हम यूज भी कर रहे हैं। तो मैं कंसोल डॉट लॉग डेटा डॉट लेंथ जो है वो, या डेटा को ही अभी हम प्रिंट करवा लेते हैं, तो उसे प्रिंट करवा दूंगा। तो आई विल कॉल दिस फंक्शन आफ्टर सम टाइम, जब मुझे डेटा जो है वो रिस्पांस मुझे मिल जाएगा। तो मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूं, कंसोल डॉट लॉग के ऊपर सेंडिंग रिक्वेस्ट के, यहां पे ये वो पोजीशन है जिस पे हमारी रिक्वेस्ट जा चुकी है, सेंड कर देते हैं, रिक्वेस्ट सेंड हो गई। हैंडल रिस्पांस में हम कंसोल डॉट लॉग रिस्पांस रिसीव्ड। ओके अब इसको पेज को हम देखते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर, इंस्पेक्ट, कंसोल के ऊपर चले जाते हैं, ये चेक करें। सेंडिंग रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूं, रिक्वेस्ट सेंड हो गई, रिसीव रिस्पांस, यानी रिस्पांस मुझे रिसीव हुआ है आफ्टर माई रिक्वेस्ट इज सेंड, ये चेक करें। रिक्वेस्ट चली गई है, ये मैसेज जो है रिक्वेस्ट सेंड, इसको मैं पहले यहां से कट करके नीचे भी लिख दूं तब भी हमारा फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद ये प्रिंट हो गया, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन तो कॉल हो रहा है इन फ्यूचर, और ये एज ए कॉल बैक गया है डॉलर डॉट गेट को। तो ये कॉल बैक मैकेनिज्म है, बट इसके साथ प्रॉब्लम भी है। इस कॉल बैक मैकेनिज्म को हम कॉल बैक हेल्प भी समटाइम्स बोलते हैं। उसके लिए आपको मैं एक चीज दिखाता हूं। इमेजिन करें कि अब आपने पहले यूजर्स को फेच करना है, तो उसे हमने एक कॉल बैक भिजवा दिया गेट यूजर्स। यूजर फेच करने के बाद हर यूजर को हमने गेट रिपोजिटरीज फेच करनी है उसकी, उसके बाद उसके कमेंट्स फेच करने हैं। तो कॉल बैक को कॉल बैक जा रही है, उस कॉल बैक को एक और कॉल बैक जा रहा है, उसको एक और कॉल बैक जा रहा है, तो ये बड़ा मैसी हो जाता है हमारे लिए। इसको हम कहते हैं कॉल बैक हेल्प, कि ये सोल्यूशन पॉसिबल वो नहीं, फिजिबल नहीं है इन प्रैक्टिस जिसमें हम कॉल बैक्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। बट स्टिल देर आर मेनी लाइब्रेरीज जो कि कॉल बैक मैकेनिज्म को यूज करती हैं, और उनमें जेक्यूरी एक लाइब्रेरी है जो इसको यूज कर रही होती है। ओके इसका एक और सॉल्यूशन है, वो है प्रॉमिस पेज। इसको मैं क्लोज कर देता हूं ताकि इसको पहले हम कोड करके देखते हैं। कॉल बैक इसको मैं डिलीट कर देता हूं यहां से, ये आपको कंफ्यूज करेगा। एक्चुअली जो हमने जेक्यूरी को टेस्ट किया है वो नोड बेस्ड नहीं किया है, वो हमने क्लाइंट बेस्ड टेस्ट किया है, यानी वो नोड के ऊपर सर्वर के ऊपर नहीं यूज कर रहे जेक्यूरी को हम। जेक्यूरी ज्यादा चूंकि पेज के साथ हैंडलिंग करती है, तो इसके आई थॉट कि इसके एजेस के फीचर्स जो हैं वो यूज होते होंगे, लेकिन वो नहीं होते। तो हम इसको जेक्यूरी को की जगह पे हम इसको एक्सेस यूज कर लेंगे इसको अभी थोड़ी देर तक। प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस इज कि आपने फॉर एग्जांपल फंक्शन क्रिएट किया मेक पिज्जा, इंस्टेड के यहीं से पिज्जा रिटर्न करे, ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, न्यू प्रॉमिस। ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको पिज्जा प्रिपेयर करके दूंगा, ठीक है? तो प्रॉमिस जो है वो दो स्टेजेस में से गुजरता है, तीन स्टेजेस में से। प्रॉमिस की जो स्टेजेस हैं वो है वन पेंडिंग, टू है प्रॉमिस इज रिजॉल्व्ड, थ्री है रिजेक्टेड। ओके तो प्रॉमिस क्या चीज है? प्रॉमिस ये है आप इसको न्यू प्रॉमिस जो है इसको जो प्रॉमिस का जो ऑब्जेक्ट मैं यहां पे क्रिएट कर रहा हूं, इसको हम एक फंक्शन पास करेंगे,
उसको मजीद दो फंक्शंस पास करेंगे, ठीक है, उसको मजीद दो फंक्शंस पास करेंगे, और ये जो फंक्शन है ये मैं एरो फंक्शन बना लेता हूं, सही, और प्रॉब्लम को जो है अब हम देख लेते हैं कि ये टाइम आउट है जिसके अंदर हमारा पिज्जा प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है, फ्लेवर हम इसको पास कर लेते हैं, तो इसको मैं कह देता हूं मेक पिज्जा, ओके, कॉल कर देता हूं, फ्लेवर आ गया आपका, तो फ्लेवर हम इसको इंस्टेंट की ये वैल्यू यहां से रिटर्न करे, ये क्या करेगा, इसको रिजॉल्व कर देगा प्रॉमिस को, और यहां पे कोई मैसेज पास कर देगा, मैसेज हम कुछ रख लेते हैं प्लस पिज्जा, ओके। लाइन नंबर 6 वो लाइन है जिसमें ये जो फंक्शन है मेक पिज्जा, ये कह रहा है कि मैंने जो आपको प्रॉमिस किया था उसको मैं फुलफिल कर रहा हूं इस स्टेज के ऊपर, ओके। तो इसको हम कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं, इसको मैं रन कर लेता हूं नोड मॉन डॉट स्लैश प्रोमिसेस, सॉरी कुछ और रन हो गया, प्रोमिसेस को, तो इसको हम कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग मेक पिज्जा, ये एक्चुअली मेक पिज्जा फंक्शन उसने यहां पे रिटर्न कर दिया हमें, ठीक है, ओके। ये फंक्शन को मैंने कॉल नहीं किया है यहां पे मेक पिज्जा के ऊपर, यहां पे मैंने कॉल किया हुआ है, तो एक्चुअली पिज्जा प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है, लेकिन हमने जो प्रॉमिस हमें वापस आया था हमने उसके साथ तो कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो ये इस फंक्शन को एक्चुअली कॉल करके देखते हैं कि ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन हमें अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है, जो दो दफा चूंकि कॉल हो गया है तो वो ये एक्चुअली कुछ खुद रिटर्न नहीं कर रहा, सॉरी यहां से हमें रिटर्न करवाना पड़ेगा, न्यू प्रॉमिस रिटर्न करवा रहे, ये चेक करें प्रॉमिस की जो स्पेस है इस वक्त जो पोजिशन है वो आ रही है पेंडिंग की, वो आ रही है पेंडिंग की, ओके। तो इसको अगर हम 2 सेकंड के बाद वेट करेंगे तो 2 सेकंड तक ये रिजॉल्व हो चुका होगा, तो फिर इसकी एक्सेप्टेड स्टेट आ जाएगी या कुछ और आ जाएगी, इसको इस तरह से कॉल ही नहीं करते प्रॉमिसेस को, प्रॉमिसेस को डॉट देन लगा के कॉल करते हैं, और यहां पे हमें पिज्जा फॉर एग्जांपल मैसेज रिसीव कर लेते हैं, और ये भी फंक्शन पास कर रहा हूं मैं कंसोल डॉट लॉग, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मैंने क्या किया, और ये चेक करें तो ये डॉट देन करेंगे हम, ठीक है, मेक पिज्जा, इसको हमने फ्लेवर तो दिया ही नहीं था, टिक्का, ये रहे टिक्का पिज्जा, हम कह रहे हैं कि अच्छा मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे पिज्जा रिटर्न करोगे, एंड देन जब तुम्हारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए, देन जब तुम्हारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए तो तुमने क्या करना है कि हमें एक मैं तुम्हें डॉट देन एक मैसेज फंक्शन देता हूं, इस फंक्शन को तब तुम डेटा मुझे पास करके भिजवा देना। तो एक्चुअली ये जो रिजॉल्व है ये इट्स काइंड ऑफ अ कॉल बैक कि यहां से उसको हम मैसेज पास कर रहे हैं, ये जो मैसेज है ये हमें डॉट देन के अंदर इस वेरिएबल के अंदर हमें मिलता है, ओके। तो इसका हमें जो एडवांटेज मिलता है वो ये है कि हम एक्चुअली हम ये काम कर सकते हैं, फिर इनसाइड के हम कॉल बैक के ऊपर आए, हम डॉट गेट यूजर्स ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, डॉट देन जब यूजर गेट होके आ जाए तब ये कर दो, जब कमिट्स उसके आ जाए तब ये कर दो, और हम सारों का कैच एक ही लिख लेते हैं, ओके। तो